Hello students, here we are once again with JPIC Digital HD. Today we will going to study about the first chapter of short story A Gold Watch written by Pojinkar. But before we end the lesson, we want to share some news with you that your 30% syllabus was reducted by the government because of COVID-19 disaster. प्रिय बच्चों, कोविड-19 बीमारी के चलते आपका सिलेबस 30% घटा दिया गया है. किन किन चैप्टर्स को आपके कोर्स से हटाया गया है उनको हम पीडीएफ के माध्यम से इसी वीडियो के साथ आपको भेज देंगे. आइए शॉर्ट स्टोरी के फर्स्ट चैप्टर की समरी के बारे में पढ़ते हैं. पॉइंट टू बी डिस्कस अबाउट द शॉर्ट स्टोरी. द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी वॉज अ शंकु. A poor man. Shankhu was a very poor man. He had wife and two children. He earned less and he had to spend much money. So always he had to loan from someone. His problems. The problems of Shankhu was that he need more money for his expenditure, but he earned less. He get only 1 rupee a day for his wages. His problem was that he could not get the things for his needs. Results of his worries. What was the results of worries of Shankhu? Shankhu was worried because he is thinking that after a few days he get 13 rupees above for his wages, but he calculated his needs that he wanted 20 or 21 rupee for his expenditure, and when he think about it, he saw the gold watch of his engineer that was put on the table of his cabin. Demands of his wife. As Shankhu was very worried, though his wife demanded for some things for the house keepings, he was very upset and always thinking about the money. What was the result? Shankhu stole the watch. When he was thinking about his difficulties, he had a thought came in his mind that he had to stole the watch of the engineer, and it will result that he could get rid of his problems by selling it into the market. He calculated his expenditure and thought that it will get the money from the watch. Shankhu stole the watch. After many discussion under his mind, he decided to steal the watch. He stole the watch at the lunch time and put it in his pocket. But Shankhu was a very poor man, so he was worried that when someone know about it, what will be done. He was very nervous. He thought that it is not a good work. So its result, he put the watch once again on the table and went to his home. प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में बताया गया है कि शंकु एक गरीब व्यक्ति था. वह एक दिन में एक ही रुपए कमाता था, लेकिन उसके परिवार में उसकी पत्नी सहित उसके दो बच्चे थे. उसे अपने घर के खर्च के लिए अधिक पैसों की जरूरत हुआ करती थी. उसकी समस्या यह थी कि वह कम कमाता था और उसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते थे. उसने अपने खर्च का हिसाब किताब लगाया और उसको लगा कि उसे 13 रुपए से कुछ अधिक पैसे उसकी मजदूरी के रूप में मिलने वाले हैं, लेकिन उसे लोन का इंटरेस्ट जमा करना है,
उसे घर के लिए सामान खरीदना है और जब उसने हिसाब लगाया तो उसको पता चला कि उसे लगभग 20 रुपए से अधिक पैसों की जरूरत है। इसलिए वह उन्हीं विचारों में खोया हुआ अपने काम पर गया हुआ था। तभी उसने देखा कि इंजीनियर के केबिन की मेज पर उसकी सोने की घड़ी रखी हुई है। उसके मन में एक बार बुरे विचार आते हैं कि वह अगर उस घड़ी को चुरा लेता है और उसको बाजार में बेच देता है तो उससे उसके खर्च के पैसे मिल सकते हैं। लेकिन यह झंझावात उसके मस्तिष्क में चलता रहता है कि क्या करे या क्या न करे। ऐसा विचार करते हुए वह घर वापस आ जाता है। अगले दिन उसकी पत्नी ने घर के खर्चों के लिए और अधिक सामान की डिमांड किया, जिससे शंकु और अधिक परेशान हो जाता है। अपने कार्य पर जाने के बाद जब उसने देखा कि लंच टाइम में इंजीनियर अपनी सोने की घड़ी को मेज पर रख कर लंच के लिए जाता है तो शंकु के मन में विचार आता है कि वह उसे चुरा ले तो उसका काम बन सकता है। बहुत उथल पुथल के बाद वह अंत में केबिन के अंदर जाता है और उस घड़ी को चुरा लेता है और लेकर के अपनी पॉकेट में रख लेता है। और वापस काम पर आने के बाद उसके मन में तरह तरह के भाव पैदा होते रहते हैं कि अगर किसी ने उसको घड़ी चुराते हुए देखा होगा तो क्या होगा, या क्या उसे यह कार्य करना चाहिए। वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ बहुत अधिक परेशान था। अंत में अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई और शंकु ने उस घड़ी को वापस उसी मेज पर ले जाकर रख दिया जहां पर इंजीनियर ने रखा था। इस कहानी का ये सारांश है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको बाद में भेज जाएंगे। इस चैप्टर को इस वीडियो के माध्यम से पढ़िए। अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।